भविष्य मालिका के अनुसार महाभारत युद्ध के आखिरी दिन भगवान कृष्ण योग माया यानी माँ काली से कहते हैं कि ये युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको रक्तपान का अवसर जरूर मिलेगा, पर इस महायुद्ध और इस युग में नहीं बल्कि कलयुग में। देवी काली, आपकी रक्तपान की इच्छा जरूर पूरी होगी लेकिन कलयुग के अंत में। नमस्कार, जर्नलिस्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। जर्नलिस्ट गुरु के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे द्वापर युग के अंत में यानी महाभारत के युद्ध के दौरान जो भगवान कृष्ण ने माँ काली को वचन दिया था वो आज पूरा हो रहा है। भविष्य मालिका के अनुसार जब द्वापर युग के अंत में महाभारत के युद्ध का आखिरी दिन चल रहा था तब माँ काली ने भगवान कृष्ण से रक्तपान करने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर भगवान कृष्ण ने माँ काली को ये कहकर रोक दिया था कि ये महायुद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है और इसका बचा हुआ भाग अभी बाकी है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक महाभारत का युद्ध तीसरा महायुद्ध था और ये कुल 17.5 दिन चला था। आधे दिन का युद्ध पूरा नहीं हो सका था। माँ काली ने जैसे पहले महायुद्ध यानी देवासुर संग्राम के समय रक्तपान किया था वैसा ही रक्तपान माँ काली महाभारत के युद्ध में भी करना चाहती थी, लेकिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के कहने पर वो रुक गई थी। भविष्य मालिका के मुताबिक महाभारत के युद्ध में जिन योद्धाओं की युद्ध करने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी वो इच्छा पूरी होगी कलयुग के अंतिम काल में। ऐसे सभी योद्धा जो युद्ध करना चाहते थे वो जन्म लेंगे कलयुग के अंत में और फिर होगा चौथा महायुद्ध। यहां हम आपको बता दें कि भविष्य मालिका की ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इस समय हम अनंत युग या युग परिवर्तन के दौर में हैं। तीसरे महायुद्ध यानी महाभारत के युद्ध का बचा हुआ भाग चौथे महायुद्ध के तौर पर कलयुग के अंतिम कालखंड में पूरा होगा। भविष्य मालिका के ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ये महायुद्ध साल 2022 से साल 2029 के बीच पूरा होगा। आसान भाषा में इसी महायुद्ध को हम तीसरे विश्वयुद्ध के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि कैसे माँ काली की धरती पर अधर्मी लोगों के रक्तपान की इच्छा पूरी होनी शुरू हो चुकी है। इसके लिए हमें समझना होगा धरती पर माँ काली का वो रूप जो हमें मिलता है 64 योगनियों में। भविष्य मालिका के अनुसार माँ काली प्रकृति हैं, अधर्म और बुराई से प्रकृति अशांत हो जाएगी। देवासुर संग्राम के समय जिस तरह माँ काली ने संहार किया था वैसा ही संहार कलयुग के अंत में माँ काली फिर करेंगी। दरअसल माँ काली के 64 रूप धरती पर संहार का काम शुरू कर चुके हैं। माँ काली के इन 64 सूक्ष्म रूप में से हर एक रूप को कहते हैं योगिनी, यानी 64 योगिनी शुरू कर चुकी हैं धरती पर अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस। योगिनी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है धरती पर एक के बाद एक फैल रही महामारियां। हाल के समय में कोरोना और उससे जुड़ी कई और महामारी से हाहाकार मचाने के लिए सिर्फ एक योगिनी ही काफी होती है, चाहे वो महामारी हो या प्राकृतिक विनाश। एक एक योगिनी के पास विध्वंस की एक एक बड़ी शक्ति है। 64 योगिनियां मिलाकर विध्वंस की एक बड़ी महाशक्ति बनती है। तो सोचिए जब एक एक कर धरती पर सभी योगिनियां जागृत हो जाएंगी तब क्या होगा, यानी साल 2022 से साल 2029 के बीच महामारी से लेकर कुदरत का कहर और तीसरा विश्व युद्ध सब कुछ करेगा विध्वंस। साथ ही इस तरह होगा महाविनाश और कलयुग का अंत, यानी पूरा होगा श्री कृष्ण का माँ काली को द्वापर युग में दिया गया वचन और पूरी होगी माँ काली की इच्छा। 64 योगिनी की मान्यता। देवी के भक्तों के लिए 64 योगिनी का बड़ा महत्व है। भारत में हमेशा से मंत्र और तंत्र के जरिए साधना करने वाले साधक 64 योगिनी की पूजा करते आए हैं। दरअसल भारत में 64 योगिनी के कुल 4 बड़े मंदिर हैं। इनमें से 2 मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना और जबलपुर जिले में हैं, वहीं 2 और मंदिर ओडिशा में खोर्धा और बलांगिर जिले में हैं। इन 64 योगिनी मंदिरों में तांत्रिक साधना का महत्व
हमेशा से बहुत विशेष रहा है। रात के समय में तांत्रिक इन मंदिरों में जाकर इस तरह की क्रिया करते रहे हैं। हर देवी को सिद्ध करने का अलग मंत्र है। हालांकि आज के दौर में इस काम को करने की इन मंदिरों में इजाजत नहीं है। अब जानते हैं 64 योगिनी का रहस्य। नंबर 1, योगिनियों को मां काली का अवतार माना गया है। नंबर 2, एक मान्यता है कि मां काली ने घोर नाम के राक्षस का वध करने के लिए 64 योगिनी अवतार लिए थे। नंबर 3, योगिनियों का संबंध काली कुल से है और ये सभी तंत्र और योग विद्या से गहरा संबंध रखती हैं, इसीलिए ज्यादातर तांत्रिक इनकी साधना करते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर 64 में से किसी एक योगिनी को भी साधना के जरिए जागृत कर ले तो उसके पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं, जैसे रावण के पुत्रों ने पाताल भैरवी योगिनी को जागृत किया था। नंबर 5, एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री में भी 32 कलाएं होती हैं, यानी दोनों को मिलाकर होता है 32+32 यानी 64। यहां ये माना जा सकता है कि 64 योगिनी शिव और पार्वती के मिलन से प्रकट हुई हैं। 64 योगिनी मंदिर और संसद भवन। गोलाकार तरीके से इन 64 योगिनी मंदिरों को लेकर धार्मिक आस्थाएं और आध्यात्मिक महत्व तो हमेशा से रहा है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे एक दिलचस्प बात। दरअसल भारत की संसद, जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, वहां की बनावट भी हूबहू एक 64 योगिनी मंदिर की तरह है। कहा जाता है कि संसद भवन को बनाने वाले आर्किटेक्ट एडविन रुटियंस ने 64 योगिनी मंदिर मोरेना को देखकर ही संसद भवन को गोलाकार डिजाइन किया था। हालांकि इस बात का कहीं कोई भी लिखित या मौखिक प्रमाण नहीं है। दिल्ली शहर एक ऐसे इलाके में है जहां भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। कहते हैं एडविन लुटियंस ने संसद को डिजाइन करते वक्त भारत की कई पुरानी इमारत का अध्ययन किया था, ये जानने के लिए कि कैसी इमारत पर भूकंप का असर कम होता है। निरीक्षण के बाद लुटियंस को मुरैना के 64 योगिनी मंदिर का ढांचा इन सब इमारत में सबसे ज्यादा सही लगा और इस तरह 64 योगिनी मंदिर मुरैना की तर्ज पर बनी भारत के संसद भवन की इमारत। 64 योगिनी और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? साथ ही बताइएगा कि क्या आप माता काली की स्वरूप 64 योगिनी के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें, भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में चाहे दुनिया में जो भी हो, कैसी भी मुश्किलें आए, लेकिन मन के सच्चे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद युग परिवर्तन के दौर में उनकी रक्षा करेंगे। आप हमारे चैनल जर्नलिस्ट गुरु में भविष्य मालिका की वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर इस विषय पर और भी वीडियो देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कलयुग के अंत, महाविनाश और भगवान कल्कि के बारे में भविष्य मालिका में क्या लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जर्नलिस्ट गुरु चैनल के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।